करवा चौथ व्रत में पानी पीना चाहिए या न पीना चाहिए? मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ को लेकर के हमारे पास कई प्रकार के सवाल आ रहे हैं और लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत है वो किस प्रकार से करना चाहिए, करवा चौथ का व्रत कब प्रारंभ करना चाहिए और करवा चौथ का व्रत कब समापन करना चाहिए और इस व्रत का पारणा अर्थात व्रत को कब खोलना चाहिए, इस व्रत में दिन भर पानी पीना चाहिए या न पीना चाहिए, इस तरह के कई प्रकार के सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। इसी सवालों को लेकर के हमने आपके लिए इस वीडियो को तैयार किया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की कर्क चतुर्थी को करवा चौथ का यह महापर्व मनाया जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, पति की उन्नति के लिए इस व्रत को करती है और इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाती है जो कि चंद्रोदय तक लगातार चलती रहती है। इस व्रत में सबसे पहले तो जो महिलाएं व्रत करती है उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद अपनी सास के माध्यम से या अपनी जेठानी के माध्यम से या फिर अपनी ननन के माध्यम से या कोई भी घर की जो बड़ी स्त्री होती है उनके हाथों से कुछ फल, दूध या अन्य मिठाई, ड्राई फ्रूट्स जिसे बाया भी कहा जाता है, वो ले करके इस व्रत को प्रारंभ करें। जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही आपको जल आदि वस्तुएं सब बंद कर देना चाहिए अर्थात व्रत का प्रारंभ आपको कर लेना चाहिए। इस व्रत के दौरान पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम को चंद्रोदय तक पानी, अन्न आदि किसी भी वस्तु का जो है खाना पीना सख्त इसमें वर्जित बताया गया है। लेकिन यदि आपने व्रत का उद्यापन कर दिया है तो उद्यापन करने के बाद सभी प्रकार का बंधन जो है मुक्त हो जाता है अर्थात आप अपनी सुविधा के हिसाब से फल लेकर के, दूध लेकर के, जल लेकर के या कोई भी फलाहारी वस्तु ग्रहण करके इस व्रत को कर सकते हैं। और इस व्रत का जैसे ही समापन होगा चंद्रोदय के समय उसके बाद आप भोजन आदि वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही जो महिलाएं किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है या फिर उनको किसी भी प्रकार की और अन्य समस्याएं हैं जिसके कारण उनको पानी पीना आवश्यक होता है क्योंकि जल की कमी से कई बार शरीर में कई प्रकार के रोग व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो रोगी व्यक्ति है, रोगी महिलाएं हैं, उनको व्रत में जो है थोड़ा सा शिथिलता करते हुए व्रत में जल पी सकते हैं, फलाहार लेकर के भी इस व्रत को कर सकते हैं क्योंकि आत्मा सो परमात्मा अर्थात आत्मा को कष्ट देना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। यदि आपसे इस व्रत का पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से आपको परेशानी आ रही है व्रत करने में, तो आप अपनी आत्मा को कष्ट न दें क्योंकि आत्मा में परमात्मा का निवास शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए आप इस व्रत में जल, फलाहार आदि वस्तुएं भी ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप संभव हो तो निर्जला व्रत करें और बिना फलाहार के व्रत करें और शाम को चंद्रोदय प्रत्येक शहर में, लगभग सभी शहरों में 7:45 बजे से लेकर के 8:15 के बीच में चंद्रोदय होगा। वैसे चंद्रोदय का जो सटीक समय पंचांगों में बताया गया है वो 8:14 पर बताया गया है। इस समय चंद्रमा का उदय होगा। जब चंद्रमा का उदय हो उसके पहले आप भगवान गणेश जी का, माता पार्वती जिन्हें गौरा जी कहा जाता है, गौरी जी भी कहा जाता है, उनका अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें, उनको सौभाग्य की सारी वस्तुएँ चढ़ा दे और भगवान गणेश जी को दूर्वा और आदि वस्तुएं जो जो भी भगवान की प्रिय होती है वो सब अर्पण कर दे और उसके बाद जैसे ही चंद्रोदय हो और उस समय आपको जो है चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, चंद्रमा की आरती करना चाहिए और चंद्रमा की आरती करने के बाद
अपने पतिदेव का भी जो है पूजन आपको करना चाहिए और पतिदेव की आरती भी करना चाहिए। इस दौरान जो छन्नी होती है, जिसे चलनी भी कहा जाता है, उसके माध्यम से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है और उसके माध्यम से ही अपने पतिदेव का मुख देखा जाता है और उसके बाद पति के चरण छू करके आशीर्वाद भी ग्रहण किया जाता है। इसके पश्चात अपने पतिदेव के हाथों से पहली बार जल पिया जाता है और जल पीने के बाद इस व्रत को जो है खोला जाता है। तो व्रत के लिए आप भोजन सामग्री तैयार करें, इसमें आप जो भी चाहें अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार भोजन सामग्री आप तैयार करें, खीर पूड़ी हलवा आदि जो भी चाहें आप अपनी रुचि के अनुसार भोजन तैयार करें और भोजन का भोग जरूर लगा दें, क्योंकि भगवान को भोग लगाए बिना व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगाएं, भगवान गणेश जी का इस दिन पूजन अर्चन करके उनको भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद पति पत्नी दोनों एक साथ जरूर भोजन करें, क्योंकि एक साथ भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। तो इस प्रकार इस व्रत का आप पारणा करें, व्रत का समापन करें, निश्चित तौर से भगवान गणेश जी और चंद्रमा की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो मित्रों, हमने करवा चौथ के संबंध में जो भी जानकारी आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य एक दूसरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपके लिए करवा चौथ की कथा विधि विधान से बताई गई है। तो मित्रों, आपके परिवार को और आपको सभी को सादर जय श्री कृष्ण। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां।